हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दर्शन और सुरो की सरताज। मेरे साथ संजीवनी मौजूद है। संजीवनी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच। शुरुआत तो हम वही करेंगे, मैं हर सिंगर से यही करता हूं कि उनसे उनको पकड़ लेता और उनसे उनके कोई गीत के बारे में गवाता हूं। तो एक थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। ओ यारा रब रुस जाने दे, अब साथिया नई मंजिले, नया रास्ता है तुम्हारा हमारा, वो यारा रब रुस जाने दे। माय गॉड, लाइक मतलब जब ये आवाज़ सिर्फ सेलफोन से सुनता था अपने हेडफोन लगा के, तो मैं कभी सोच नहीं पाता था कि मैं यहाँ पर आज संजीवनी के साथ कर रहा हूँ। संजीवनी, इट्स ग्रेट हैविंग यू। बहुत सारे म्यूजिकल रियलिटी शोज आते हैं और बहुत सारे स्टार्स बनते हैं, बिगड़ते हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मेरा उसको उसके ऊपर कुछ कहना नहीं है, ये मेरा कहना है। आई थिंक बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है रियलिटी शोज़ को, जो देना नहीं चाहिए। म्यूज़िक की बात करें, आपकी ज़िंदगी में वो कहाँ से आया और कितना इम्पोर्टेंस रखता है? मैं तो जब से याद है गाती हूँ, 1 साल की थी तब से गाती हूँ, नींद में गाती हूँ, बाथरूम में गाती हूँ, 24 घंटे गाती हूँ। बट प्रोफेशनली आई हैव बीन सिंगिंग फॉर व्हाट लास्ट 18 ईयर्स। मतलब मैं जब इन्होंने कहा कि मैं 1 साल की उम्र से गाती हूँ, तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जब ये रोती भी होंगी तो बहुत सुर में रोती होगी। बहुत वेल, संजीवनी हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आईएफए अवार्ड्स अभी मैं अटेंड करके आई हूँ और मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो बच्चों ने जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है उन्हें नोटिस करके उन पर जो एड फिल्म्स बनाई हैं, एडवर्टाइजिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम, और ज़्यादा करके एड्स जो है अनफॉर्चुनेटली अरे कमर्शियली ड्रिवन, और सोशल मैसेज वाली जो एड्स हैं उनसे बहुत अवेयरनेस हो सकता है, बदलाव हो सकता है, ख़ास करके जब बच्चे बताते हैं तो बहुत असर होता है। इसलिए आई एम वेरी हैप्पी टू हैव कम हियर एंड इट्स अ ब्यूटीफुल अटेम्प्ट एंड ब्यूटीफुल फंक्शन। इवन आई एम मोर ग्लैड, मोर हैप्पी कि मुझे आपके साथ इंटरव्यू करने का मौका मिला और आपके साथ खड़े होने का मौका मिला। बट यू गाइस स्टे ट्यून्ड और मुझे देख रही है सिर्फ सिटी न्यूज़ HD पर।